शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे, तो मुझे अच्छे से याद आता है। और बाबा को नशा रहता था कि मैं जाके मिचनू बनूंगा, मिचनू बनूंगा। तो जो अपना एक कुआं खोद रहा था, बाबा ने जेपी भाई को कहा, जमुना प्रसाद को, कि एक कुआं खोदो, पानी की कमी है। जब कुआं खोदा गया और ये पता चला कि अब उसके अंदर पानी निकल आया है, तो खुशी की लहर आ गई, पानी आ गया कुएं में। बाबा उतर करके कुएं में नीचे देखने गए। जब लेबर लोग कुआं बनता तो जैसे जैसे बनता जाता, एक सरिया की सीढ़ी फोल्ड करके उसमें लगाते गए सरिया, उसी सरिया को पकड़ के चढ़ते थे उतरते थे। तो बाबा भी नीचे उतर गया, उतर तो गया लेकिन चढ़ कैसे सकता। फिर धीरे धीरे एक एक सरिया बाबा चढ़ता था सीढ़ी, पैर पौर रख के, और जेपी भाई बाबा का पैर उठा उठा के पीछे से रखते थे। ऊपर बाबा आ गया इतनी बड़ी एज में, भविष्य का नशा था कि मैं मिचुनू बनूंगा वो संस्कार से। फिर रात को जब बहुत तकलीफ हुई, तो उस समय कोई हॉस्पिटल तो नहीं थे नज़दीक में, ना कोई डॉक्टर था, संतरी दादी को भेजा, जाओ बाबा के पास, ऑलमाइटी के पास, और जा करके बोलो कि बाबा को बहुत दर्द हो रहा है। तो ऑलमाइटी बाबा ने कहा कि उनको बोलो ये भविष्य के नटखट पने वाला संस्कार अभी नहीं धारण करे, बाकी और गुण धारण करना है, ये नहीं धारण करना है नटखट पने का। बाकी मेरा हुसैन का घोड़ा है, मैं मालिश करके तो ठीक कर दूंगा। तो कैसे बाबा ये भी करते।